वाला साइड यहाँ पे खारकीव में यार देख सकते हो, रात को इतना बढ़िया माहौल है, लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं एक जगह पे एंड अचानक से साइरन बजने लगा यहाँ पे। यार खारकीव यार मिक्स इमोशंस देता है यार, कभी इंजॉयमेंट है कभी कभी साला अचानक से साला मूड खराब कर देता है पूरा। यहाँ पे एक टर्किश रेस्टोरेंट देखने को मिल रहा है यार, सारा कुछ डंप कर दिया यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि भाई जब से वॉर शुरू हुई तब से बंद ही है, इसके बाद खोला नहीं इस रेस्टोरेंट को। Explosion can happen. तो ये भाई यहाँ पे देख सकते हो यार, यहाँ पे थोड़ी बहुत मार्केट लगी हुई है, मैं जो वेजिटेबल मार्केट है भाई, ऐसे बस सड़क पे भाई यहाँ पे चीज़ें बेच रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगा, तो मैंने बोला आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे जितने ओल्ड ओल्ड लोग हैं। यहाँ पे मक्का बेच रहे हैं, यहाँ पे शिमला मिर्च बेच रहे हैं, टमाटर भाई साहब कितने बड़े टमाटर है यार, बाजार इंडिया में तो बहुत महंगे हो गए भाई टमाटर, क्या बताऊँ यार। और ये सारे सब्जियाँ हैं जो, और फल फूल जो यहाँ पे दादी जी है, बबुशकास बोलते हैं इसको यहाँ पे रशियन में अगर बताऊँ मैं, कई सारे लोग देख सकते हो यार फूल वगैरह। काफ़ी धूप है अभी एक्चुअली यहाँ पे खारकीव में, बट तभी भी यहाँ पे लोग धूप में बैठे हैं यार, काफ़ी सही लगा मेरे को, तो मैंने सोचा अपन दिखा देता हूँ यहाँ पे भाई। अभी खारकीव में हम भाई मेट्रो ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारे फ्रेंड यही बोल रहे कि जब एक्चुअली वॉर चल रहा था लास्ट ईयर, हमारे लोग मेट्रो स्टेशन में आके भाई अपनी जो डेली रूटीन है वो कर रहे थे, लोग यहाँ पे सो रहे थे, यहाँ पे जो उनकी लॉन्ड्री वगैरह है सारे वो सब भी कर रहे थे वो लोग। बोलिए भाई यहाँ पे मेट्रो स्टेशन सबवे अब खारकीव, जहाँ पे यार लोग वॉर के दौरान यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जिया करते थे, स्पेशली सिटीज़ में अगर बात करूँ जहाँ पे सबवेज है। तो मेरी फ्रेंड बोल रही है कि जो मेट्रोज है यहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई हमको कुछ पे नहीं करना पड़ा भाई, डायरेक्टली ऐसे एंटर कर लिया हम लोगों ने। और यार इन सबवे स्टेशन ऐसा भाई, यहाँ पे सबवे स्टेशन है काफ़ी ज़्यादा मुझे, तो इसके पहले मैंने एक्स सोवियत कंट्रीज ट्रैवल करें वैसे कुछ भाई भारी मेरे को यार, उज़्बेकिस्तान टाइप। ये ट्रेन काफ़ी आवाज़ करती है, मैं समझ गया मैं, ये भैया ये, हाँ जी भाई साहब ये देख लो, ये भाई यूक्रेन मेट्रो, ओ भाई साहब हाँ भाई ये बहुत आवाज़ करती है यार, ये सोवियत के टाइम के ही है। तो ये था भाई हमारा यहाँ पे खारकीव का मेट्रो, और ये देख लो इतना ज़्यादा नीचे भाई ये मेट्रो भाई साहब, और ये देख लो भाई ये सारा कुछ है खुला, इसका मतलब आपको कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, एंट्री लो एग्जिट लो अपने हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैं लेके गया था जो खारकीव ओब्लास्ट है, इज्यूम नाम से जो प्लेस है यहाँ पे खारकीव ओब्लास्ट में, वहाँ पे लेके गया था जो वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टेड रीजन बोल सकते हो आप लोग वॉर के बाद। एंड आप लोगों ने देखा था वीडियो कैसा है माहौल वहाँ पे, सही बताऊँ तो जब मैं पहली बार यूक्रेन के बारे में प्लान कर रहा था, मैं कभी सपने भी सोच के नहीं आया था कि मैं कभी ईस्ट यूक्रेन भी जाऊँगा, क्योंकि बट मुझे लिटरली पता नहीं था कि एक्चुअली ट्रैवलिंग इन यूक्रेन वुड बी सो सेफ नाउ। अभी जो फिलहाल माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जो लास्ट ईयर हम लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा है, माहौल काफ़ी काम डाउन हो चुका है अभी, एंड जो ट्रैवलिंग है वो बैक टू नॉर्मल हो रही है। मेरे हॉस्टल में काफ़ी सारे ट्रैवलर्स देखने को मिल रहे हैं जो काफ़ी सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि यार मैं कभी सोच नहीं सकता था कि यार ये टाइम जो कभी मैं ट्रैवल करूँ यूक्रेन, बट कि लोग आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो ट्रैवलिंग है वो बैक टू नॉर्मल हो रही है। एंड अभी फिलहाल गाइस मैं खारकीव सिटी में जो सेंटर है खारकीव का वहाँ पर हूँ मैं, एंड आज मैं आप लोग दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे भाई खारकीव शहर में लाइफ कैसी है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग दिखाया था जो प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, वहाँ पे माहौल कैसा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया सा सजाया गया है यहाँ पे, कुछ झूमर टाइप लगाया गया है यहाँ पे, मुझे पता नहीं कुछ तो फेस्टिवल वगैरह होगा इनके लिए तब इन्होंने लगाया था या फिर इन्होंने ऐसे इसको भाई सजावट के लिए लगाई है, बट ये सारा भाई नॉर्मल लाइफ है यहाँ पे सेंटर में। यहाँ पे जो लाइफ है वो बैक टू नॉर्मल हो रही है, ऑफकोर्स जो अभी यहाँ पे लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है, जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर जो ट्रैफिक थी जो लाइफ थी वो बहुत अलग थी, क्योंकि ये जो एरिया है ये भी ईस्ट यूक्रेन में आता है, एंड यहाँ से बहुत सारे लोग खारकीव से निकलकर अलग अलग पार्ट्स ऑफ यूक्रेन स्पेशली वेस्ट यूक्रेन की तरफ वो लोग मूव आउट कर रहे थे, क्योंकि ये प्लेस भी है वो सेफ नहीं था। टू बी ऑनेस्ट सेफ तो यार अभी ये भी प्लेस नहीं है, कुछ भी अभी भी हो सकता है, अभी वॉर ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे साइरन बजती रहती है, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था आप लोगों को, बट जो माहौल है उसको देख के समझ आ जाता है कि जो सीरियसनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है अभी। खारकीव जो है गाइज वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है रशियन बॉर्डर से, कुछ अराउंड बोल सकते 30-40 किलोमीटर दूर है हम लोग रशियन बॉर्डर से, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न जो खारकीव रीजन है उसमें इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिले हैं। दो सेंटर है खारकीव का वो उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, यहाँ पे एज सच उतना ड्रास्टिक जैसे मैंने इज्यूम में दिखाया था वैसा कुछ यहाँ पे माहौल
देखने को नहीं मिला है। एंड ऑल्सो खारकीव बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ पे और एक काफ़ी मशहूर चीज़ ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे मेडिकल स्टडीज़ के लिए खारकीव आते हैं। एंड आई एम नॉट श्योर, अभी तो कोई नहीं होगा यहाँ पे, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स के अभी भी यहाँ पे यूक्रेन में एंड खारकीव यूनिवर्सिटीज़ में उनकी जो मेडिकल स्टडीज़ है वो हो रही है। यार खारकीव की ये वाली सड़क देखो यार आप लोग, ये सारे बिल्डिंग देखो आप लोग, और बिल्डिंग को जैसे बनाया गया ये देखो आप लोग। यहाँ पे थोड़े बहुत कांच टूटे हुए लग रहे हैं, ये अगेन वॉर है उसी की वजह से होगा, ये जितनी भी खिड़कियाँ टूटी हुई लग रही है आपको, बट ये सारे देख सकते हो, ये सारे घर है यार लोगों के। अरे ऐसे यहाँ पे घर होते हैं यार यूक्रेन में, इतना इतना सुंदर लगता है देखने के लिए। यहाँ पे एक टर्किश रेस्टोरेंट देखने को मिल रहा है यार, देख सकते हो यहाँ पे कोई तो, यहाँ पे हानेदान टर्किश रेस्टोरेंट देखने को मिल रहा है। ये एक्चुअली बंद पड़ा है यहाँ पे, ये अभी खुला नहीं है, देख सकते हो आप। सारा कुछ डंप कर दिया यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि भाई जब से वॉर शुरू हुई तब से बंद ही है, इसके बाद खोला नहीं इस रेस्टोरेंट को। ये भी भाई काफ़ी सारा ऐसा भी आपको माहौल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं। कुछ अराउंड 1.4 मिलियन की पॉपुलेशन है खारकीव की पहले वॉर से पहले, पर अभी कुछ अराउंड 300 से 400 की पॉपुलेशन ही बची है। यहाँ पे यूक्रेन की और एक खास बात भी लगती है, मैंने आई थिंक लवीव में भी देखी थी, यहाँ पे पार्क्स का काफ़ी कल्चर है, तो यहाँ पे पार्क्स भी काफ़ी देखने को मिल जाती है। मतलब सोसाइटी के बीच में एक बढ़िया सा पार्क होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, और यहाँ पे घर है, घर के बगल में यहाँ पे इतना बढ़िया स्पेस है जहाँ पे भाई लोग मतलब चिल वगैरह कर सकते हैं, बैठे हैं वहाँ पे लोग, देख सकते हो आप लोग। ये वाली बिल्डिंग अगेन सेंटर के बहुत ही नज़दीक है, मतलब यहाँ से बस आई थिंक मैं 200 मीटर चलूँगा तो मेरा हॉस्टल है यहाँ पे, एंड जस्ट 200 मीटर के यहाँ पे भाई आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो बिल्डिंग है जहाँ पे भी कार्डबोर्ड लगी हुई है देख रहे हो आप लोग, कुछ लकड़ी का कुछ लगा हुआ है वहाँ पे, वो लोग बस प्रिकॉशंस के लगाए हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे कांच जो है टूट चुकी होगी। यहाँ पे देख सकते हो हमें थोड़े बहुत यहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ये भी पूरा बिल्डिंग खाली लग रहा है मेरे को, ये आई थिंक कोई ऑफिस या फिर कोई होटल वगैरह लग रहा है, बट यहाँ पे थोड़े बहुत कांचे जो है वो टूटी हुई लग रही है देखने को। फिलहाल कुछ यार 8:30 हो रहे हैं, 8:45 कुछ हो रहे हैं अभी रात के, एंड अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप लोग खारकीव में जो क्या बोलते हैं मौसम वो देख सकते हो, जो सराउंडिंग वो देख सकते हो, अभी तक भाई यहाँ पे रात नहीं हुई है। तो यहाँ पे भाई लवीव में जब मैं था वहाँ पे आई थिंक 9:30 के अराउंड रात होती थी, बट यहाँ पे तो आई थिंक मुझे लगता है 9:00 तक शायद रात हो जाएगी, क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा ईस्ट की तरफ आए हुए हैं लवीव से। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं यार, ये कैफ़े देखो आप लोग, सो दिस कैफे आई थिंक कैन यू बिलीव यार, एक साइड में मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था माहौल यूक्रेन का कैसा है, अनदर साइड यहाँ पे खारकीव में यार देख सकते हो रात को इतना बढ़िया माहौल है, लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं एक जगह पे, एंड वहाँ पे शायद थोड़े बहुत लोग बैठ के दोस्तों के साथ मज़े ले रहे हैं, और वहाँ पे अगेन कोई टेबल टेनिस खेल रहा है। एंड यही चीज़ ये सिटी को इतना इंटरेस्टिंग बना देती है यार, इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ गो थ्रू करने के बावजूद जो लाइफ है वो बैक टू नॉर्मल हो रही है। एंड आई एम श्योर आप लोग को ऐसे यूक्रेन के बारे में हार्डली कोई बताता होगा कि क्या हो रहा है यूक्रेन में। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट यूक्रेन, जैसे मैं आप लोग को फर्स्ट वीडियो से बोलते आया हूँ, यहाँ पर जो रेजिलियंस दिखाया यूक्रेनियंस ने यार, दाद देनी पड़ेगी उस चीज़ की, क्योंकि आसान नहीं है इतना सारा चीज़ गो थ्रू करने के बाद जो लाइफ है फिर से नॉर्मली स्टार्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। सुनिजा ना, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, सो बिकॉज समवन लाइक मी हु फॉर एग्जांपल समवन हु सिटिंग इन इंडिया और समवेयर अराउंड द वर्ल्ड हु हैजंट ट्रैवल्ड टू यूक्रेन एंड हु हैज ओनली सीन news about Ukraine, mm-hmm. about the bombings, about the mm-hmm. things happening in the war. Do you recommend them coming to Ukraine right now to travel? It depends on the size of your balls. I don't know if you're allowed to say that in your YouTube channel. That's true, because like right now it's very peaceful and everyone is happy and chill, yeah. but in 5 minutes explosion can happen nearby you, yeah. and you never know when it's yeah. gonna happen and when you are gonna face it, yeah. and when it's gonna happen like 10 kilometers from you or if it's gonna happen 100 meters from you, yeah. so there's always this aspect of unknown. So if you are ready for that, मैंने अभी तक कुछ मिसाइल नहीं देखा गिरते हुए मेरे ऊपर, जैसा उन्होंने बोला कि यार जिगरा चाहिए आपको यूक्रेन में आने के लिए, एंड अभी को आपको मैं दिखाई रहा हूँ यूक्रेन कैसा है, एंड अगर आपको नहीं आना तो आप हमारे वीडियोस देख ही सकते हो और हमारे वीडियोस देख के समझ सकते हो क्या चल रहा है यूक्रेन में। और यार हमको यहाँ पे जो पुराना सोवियत यूनियन के ये कार भी देखने को मिल गई, ये पता नहीं कौन सा है, ये आई थिंक ये लाडा नहीं है, ये कुछ और है, ये पता नहीं यार ये कौन सा है, बट काफ़ी पुराना कार लग रहा है देखने को, समझ ही नहीं आ रहा यार अभी चल भी कैसे रही है ये, बट हाउ डज इट फील, वेरी नॉर्मल। तो यार अभी हम लोग सेफ्टी की बात कर रहे थे, ये लो भाई फिर से सायरन बजने लगा यहाँ पर खारकीव में, तो यार सही है, सेफ बोलना आई थिंक मेरे हिसाब से गलत होगा, सेफ मैं मेरे लिए ज़रूर बोल सकता हूँ अगर मेरे को कुछ बोलना है,
बट मैं किसी को रिकमेंड कुछ नहीं कर सकता यार। और द फनी पार्ट इज गाइस, यहाँ पे फिलहाल जो सायरन है वो चल रही है एंड आप लोग देख सकते हो जितने भी लोग हैं आसपास वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे हैं वैसी है, सायरन चल रही है यार। अभी तो मैं भी शायद यूज्ड हो चुका हूँ, 3-4 बार सुन लिया है मैंने ऑलरेडी। सर इनको मैं ये पूछ रहा था, चलो अभी तो फिलहाल जो माहौल है थोड़ा काम डाउन लग रहा है, इनको देखो यार सायरन चल रही है एक जगह पे। तो मैं ये पूछ रहा था कि यार अगर बाय चांस फॉर एग्जांपल ये ऐसा कुछ माहौल, अगर लास्ट ईयर के ऐसा कुछ माहौल हो तो क्या करते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मैक्सिमम लोग यार भागते हैं मेट्रो स्टेशन में, कि मेट्रो स्टेशन काफ़ी सेफ माना जाता है जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होता है यहाँ पे। यहाँ पे देख लो एक जगह सायरन चल रही है, यहाँ पे देख सकते हो जैमिंग चल रही है। हेलो हाउ आर यू? Doing good. Yeah. You're from Kharkiv? Yes. I'm here. How is everything going? I'm born in Kharkiv. My name is Kostya. Kostya. What's your name? Vishnu. Vishnu? Yeah. Where are you from? From India. India? Wow. Доброго вечора. Доброго вечора, ми з України. Scared? No, not scared. Ми будемо готові. Так, кричимо. यहाँ पे यार थोड़े बहुत लोकल मिल गए, ये सारे फोटो लेने लगे मेरे साथ यार। फोटो व्हाट इज योर नेम? जेनिया। ओके फोटो सेशन में लगी। यहाँ पे यार ये जो हमको मिले थे सड़क पर, अभी ये लोग गाना गा रहे थे, अभी हमारी थोड़ी देर बातचीत हुई। यूक्रेन में क्या होता है कि ऐसे मतलब जो स्ट्रेंजर्स मिलते हैं इंस्टेंटली फ्रेंडशिप हो जाती है इनकी। स्निजाना है उनके लिए भी, ये पूरी स्ट्रेंजर थी, पर अभी इनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई और इतने जिगरा दोस्त बन गए। देख लो भाई अभी हंस खेल रहे हैं सारे लोग। तो भाई बहुत ही खतरनाक डीप कन्वर्सेशन हो रही है लाइफ के बारे में अचानक से। भाई स्ट्रेंजर थी भाई, ये होता है भाई। या कोखायु भाई साहब खतरनाक है, अचानक से सायरन बजने लगा यहाँ पे। ओह माय गॉड यार, खार्किव यार मिक्स इमोशंस देता है यार, कभी इंजॉयमेंट है कभी साला अचानक से साला मूड खराब कर देता है पूरा। इतने नज़दीक सायरन बजाए मेरी हालत खराब हो गई थी, फाइनली सी ऑफ ढंग से कर नहीं पाया। बट एनी वेज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे खार्कीव में। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से मैं फिर निकल रहा हूँ अगले स्टेशन में हमारे यूक्रेन में। वो कहाँ निकल रहा हूँ वो आप लोगों को अगेन अगले वीडियो में पता चल जाएगा। इसके पहले वॉर से पहले तो वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टी प्लेसेस में से आती है वाला प्लेस, बट अभी देखते हैं वॉर के बाद कैसा माहौल होता है वहाँ पर। ये वाला वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया इसको लाइक करना, कमेंट करना अपना व्यूज़ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, एंड शेयर करना गाइस। एंड टिल देन खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश करिए, एंड आई विल मीट नेक्स्ट वीडियो।